बड़ा खुशी हुआ कि इंडिया को छोड़ो बाहर से भी लोग फोन कर रहे हैं। और फिर एल्बम के लिए जब हम लोग गए तो जेन्युइनली एक बात बताते हैं, हमारा तो चलो दिख रहा है, हम लोग पढ़ते थे तो ये हो गया किसने एक्ट किया, लेकिन हम कुछ नहीं करते हैं, करवाते हैं हमसे। और जो करवाते हैं सारे कर्ता धर्ता वो होते हैं, आदरणीय हमारे सुनील सर जिन्होंने कैमरे के पीछे से जो मेहनत किया वो हम जानते हैं, क्योंकि हमें तो चलो भाई तुम आपने बहुत अच्छा किया, पहली बार आप कर रहे थे, आपको कैसा महसूस, तो अपना हम लोग डीलिंग दे दिए कि अरे हो गया था। लेकिन जो सर जितने शिद्दत से और जितने प्यार से सर ने हमको सिखाया, एहसास ही नहीं होने दिया। सर गलत भी करते थे ना, हम गलती भी करते थे, तो सर बोलते थे कि अरे नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो दीपक, लग ही नहीं रहा है कि पहली बार कर रहे हो, तो अंदर से मतलब अंदर से मेरे को फील होता था कि यार हम भी एक्टर बन गए यार। फिर हमारे वो कोरियोग्राफर साहब मुस्कुरा रहे वहां से, सौरभ भैया, तो उन्होंने इतना मतलब डांसिंग वांसिंग का अपना, तो उन्होंने एक्चुअली वही हमको बताया कि तुम डांस कर सकते हो, और बड़ा अच्छा लगा। फिर जो भी कैमरे के पीछे थे उन्होंने इतना, जो हमारी पूरी टीम थी जो हमारे लिए दिन रात लगे रहे, जो जिन्होंने थोड़ा सा भी मतलब ये नहीं होने दिया कि हम लोग नए कलाकार हैं, हम लोग पहली बार शूटिंग कर रहे हैं, पूरी टीम इस प्रोजेक्ट को अपना बना के चल रही थी। और गाना सुन के तो मतलब मिजाज जो है ना वो सनक गया, क्या गजब लाजवाब गाना था, उसके लिरिक्स, उसके बोल, और हम कलाकार हैं तो उस गाने को हम, वो गाना हमारे आत्मा में उतर गया, तो करने में हमको बहुत 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 ज़्यादा मतलब खुशी हुई। और को स्टार भी बहुत अच्छी थी सोमी खान, तो उन और उनके लिए भी वो पहला प्रोजेक्ट था, हमारे लिए भी बहुत पहला प्रोजेक्ट था, और हम लोगों को इतना बड़ा मौका देना तो हम लोग मना नहीं कर पाए। और शायद मैं भी नहीं जेन्युइनली अगर कोई और कलाकार जो हमारे साथ होता और अगर उनके साथ अगर हमको करना होता तो हमको थोड़ा वो फील होता, अंदर से निकलने में थोड़ा टाइम लगता, लेकिन सोमी थी साथ में तो हमें मतलब कि जो भी एक्ट है करने में, और अगर कहीं हमको प्रॉब्लम होता था तो वो बहुत मतलब ये करती थी, और उनको होता था तो हम करते थे, तो बात बाकी क्या मतलब हंस क्या रहे कौन हंस रहे हैं, उनका उनका चेहरा ही हंसमुख है जी। बस खत्म हो गया, इसको ऐसे समझ रहे थे। इनकी सबसे प्यारी बात क्या है, दीपक भाई जो भी काम करते हैं ना उसमें खो जाते हैं, जब ये गाना गाया इन्होंने एकदम खोकर गाया, गाने में डूब जाते हैं, जो एक्ट किया इन्होंने माशाल्लाह बहुत ही प्यारा एक्ट किया है, और जब बात भी करते हैं तब भी बातों में खो जाते हैं। वेल, तो मैं चाहूंगा कि जो आपकी को एक्ट्रेस है उनको ना मैं इन्वाइट नहीं करता हूँ, आप इन्वाइट करें, लेकिन 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 जरा प्यार से इन्वाइट कीजिए जी उन्हें देख कर, हाँ तो डाउन करके, अरे इनवाइट करना और कुछ नहीं करवा रहे, तो नी डाउन करके कौन इनवाइट करता है। हाँ गाकर इनवाइट कीजिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा जी। हाँ वो हमने गाना बनाया था इनके ऊपर बिग बॉस में, वही सुनना चाहेंगे हम सब। हालांकि देखिए अभी हम लोग ये वो बड़े बड़े कलाकार लेट से आते हैं ना, तो इंटरव्यू देखिए एकदम पूरा और सजने संवरने में टाइम लग जाता है थोड़ा, लेकिन जनरली बहुत स्वीट है और ऐसा आप बोलना चाह रहे होंगे, आप भी बोलना चाह रहे होंगे। अभी आप खड़े हुए ना, अगर आप नहीं होते तो शायद मैं ट्राई करता। नहीं हम नहीं होते अभी तो ये भी नहीं होती ना क्योंकि एल्बम ही हमारा था तो बहुत सही, बहुत सही। तो ये कौन था तुम्हारे लिए बजे भाई नहीं नहीं दिल से थैंक यू इनको और इन्होंने बहुत मतलब एक्चुअली कुछ हम एक चीज बता, कुछ कुछ सीन पे तो हम हैंग हो जाते थे और हम डायरेक्टर साहब बोलते सर ये दोबारा कीजिए, ये इसमें और अच्छा से होगा और बहुत मतलब कि जनरली बहुत मजा आता था। और खास करके उन कामों के लिए आपको पैसे मिले जो आप सोचते हैं तो और अच्छा लगता है। तो आइए हमारी को स्टार सोमी खान और बिग बॉस की बहुत बड़ी, अच्छा गाना दो चांद इस जहां में एक वो दूर आसमां में है सनम
एक यहाँ है नजर में मेरे सामने जिगर में जिसे देखता रवा में सनम जिसे देखता रवा में सनम। थैंक यू सोमी खान, बहुत ही ब्यूटीफुल आप दिख रहे हैं वीडियो में भी और आप दिख रही थी ब्यूटीफुल, हमेशा दिखती हैं क्योंकि हैं ब्यूटीफुल आप। स्टील यहां से और आपने एक भी बहुत अच्छा किया। मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये आप अक्सर करती हैं क्या, एक फोटो के लिए बोल के फिर बहुत सारी फोटोज क्लिक करवा लेती हैं, उसमें भी आपने ऐसे कुछ किया? एक्चुअली मैं ऐसा ही करती हूं, कम से कम 100 पिक्चर्स तो चाहिए होती है, उसमें से एक दो फाइनल सेलेक्ट करती हूं कि क्या होस्ट करना है। वो भी नहीं होता सेलेक्ट, झूठ बोल रहे हो। रहने दो, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं मैंने, तुमने कितनी क्लिक किया सर मेरी पिक्चर्स? हां आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। संवेदनशील टॉपिक है, इसको यहीं खत्म करते हैं। सो सोमी खान, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इस गाने का? मेरा बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा, स्पेशली थैंक्स टू रीना मैम एंड दीपक एंड अनूप सर, इतना प्यारा गाना, बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। ये फर्स्ट शूट था और सीरियसली नहीं पता था कैमरे पे कैसे वर्क करना है, कैमरे में कैसे देखते हैं, कैसे रोमांस करना है। हम लोग खुद ही आपस में ही शर्मा रहे थे कुछ शॉट लेने में, तो इसको नहीं आ रही थी शर्म। और फिर हम लेकिन हाँ रीना मैम ने काफ़ी बूस्ट किया और सुनील सर ने बहुत सिखाया, हमारे फोटोग्राफर सौरभ उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हमें बताया कैसे देखना है, कैसे स्माइल करनी है, कैसे एक्ट करना है। तो रिजल्ट तो बहुत ही प्यारा है, काफी देर तक तालियां बज रही थी आपकी, इस बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि तालियां बजाएंगे, बहुत सारी तालियां अपना बज रही थी। वेल, अब मैं देरी ना करते हुए पहले बुलाना चाहूंगा डॉक्टर रीना मेहता जी को, एक बार फिर से इनके बारे में आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा। ये डॉक्टर रीना मेहता जी, जैसे मैंने बोला डॉक्टर साइंटिस्ट ऑस्ट्रेलिया से है, ढेर सारी जिम्मेदारियां होती हैं इसके साथ में और उन जिम्मेदारियों को निभाती हैं बखूबी, और उसी के साथ में इन्हें शौक है बहुत ही अच्छा वाला एज अ सिंगर, और ये सिंगिंग भी करती हैं और सिंगिंग आपने देख ही चुका, लेकिन एक टैलेंट था जो कि मुझे थोड़ा सा पहले नहीं मालूम था, वो अभी गाना देखकर आपने डांस भी किया, डांस इतना प्यारा किया, ये मुझे नहीं मालूम था कि डांस भी अच्छा करती है। एक्चुअली जब हम स्कूल में थे तो हमने विशारद करी थी भरतनाट्यम में, और उसके बाद हमने फिर जो मेडिकल प्रोफेशन में आए इतने बिजी हो गए तो हमने छोड़ दिया, तो जब हमने अपनी डॉटर को डांसिंग स्कूल में डाला तो हमने फिर शुरू किया था डांस करने के लिए। इतना गेम पटे शूटिंग के दौरान जब कोरियोग्राफर सौरभ जी लड़कियों को डांस सिखा रहे थे और वो बोल रहे थे कि ये सर्दियों में डांस कर दो, तो उन लोग कर रहे थे लेकिन कुछ जम नहीं रहा था और मैं बैठ कर देख रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि कैन आई शो यू स्टेप्स, सो ही सेड व्हाई नॉट, कैन यू, आई सेड यस, एंड देन तीनों गानों की सिंगर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और बखूबी इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ में गाना गाया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने डांस भी किया, वो देखकर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने पहले भी काफ़ी गाने गाए हैं, काफ़ी सारे गाने और इनके आने वाले हैं, और इन्होंने पिछला जो एल्बम किया था वो बहुत ही बड़ी हस्ती के साथ भी किया था जो कि आज भी हमारे बीच में, जिनके बारे में जितनी तारीफें की जाए उतना ही कम है, सिर्फ उनके बारे में इतना बोलना चाहूँगा कि पद्मश्री अनूप जलोटा जी प्लीज़ हमारे बीच में आए, इनकी तारीफ के लिए मैं ज़्यादा शब्द नहीं कह सकता क्योंकि शब्द खत्म ही नहीं होंगे, इतनी सारी इनकी तारीफें होंगी। अच्छा, आपने हमेशा, हमने आपको जब भी सुना है अक्सर गजल गाते हुए सुना है, भजन गाते हुए सुना है, इस बार आपने एक बड़ा प्यारा सा रोमांटिक नंबर गाया और मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा है कि ये शायद अनूप जी ने गाया, क्योंकि वही जो जो आपकी आवाज़ में जोश ऐसा था कि जिससे कहीं ना कहीं मैं कन्फ्यूज था कि अनूप सर ने क्या बात है इतने जोश के साथ में गाना गाया, क्या मतलब किसी को सोच कर गाया था क्या, किसी के प्यार में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बताइए। एक्चुअली गाना हम हर तरह का गाते हैं लेकिन नाम ज़्यादा भजन में हो गया, हम तो सबसे पहले जब पॉपुलर हुए थे तो गज़ल के एल्बम से हुए थे, उसके बाद कई फिल्मों में गाया, अक्षय कुमार की सबसे पहली फिल्म में गाया था अक्षय कुमार की, अमिताभ जी के लिए गाया था नास्तिक में, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए गाया, लता जी के साथ ट्वीट गाया, आशा जी के साथ गाया, सब कुछ, लेकिन फिर लोगों को भजन हमारे ज़्यादा भागे और हमको भी अच्छा लगा,
तो हम ज़्यादा भजन फील्ड में अपना समय देने लगे, गज़लों में भी बहुत वक्त दिया। उसके बाद कई फिल्में प्रोड्यूस करी, आप लोगों को मालूम है उसका क्या हश्र हुआ, ये भी मालूम है। लेकिन किया है, बहुत कुछ किया है, बड़े मज़े से किया है। और बिग बॉस में पहुंच गया, जब बिग बॉस में गए तो और मज़ा आया, वो एक नई ज़िंदगी है, तरह तरह के लोग मिलते हैं और उन सब से दोस्ती होती है। वहीं पर दीपक ठाकुर मिल गए, खान सिस्टर्स मिल गई और भी बहुत लोग मिले, तो वहाँ से ही ऐसा लगा रहा था मुझे कि दीपक और सोमी ये दोनों कुछ कमाल करेंगे बाहर आके। और सच में कमाल कर दिया लोड बाहर आके। ये जो वीडियो है बहुत खूबसूरत बनाया है और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो वीडियो हो उसमें दीपक खुद गाएं, क्योंकि दीपक तो बहुत अच्छे सिंगर हैं, उनको खुद गाना चाहिए। और जो सिंगर्स हैं उनसे आप मिल चुके हैं जो यहाँ आए हुए हैं, लेकिन दो और बहुत बेहतरीन हमारे मेहमान सिंगर्स यहाँ आए हुए हैं। हमारे साथ जस्सी जी हैं, जस्सी जी को सारा हिंदुस्तान जानता है। जयदेव शर्मा हैं, बहुत बेहतरीन कलाकार हैं। कुछ दिन पहले हम लोग कैनेडा का टूर करके आए, हम और जयदेव के साथ हमने वहाँ परफॉर्म किया था। तो बहुत खुशी की बात है कि आज इतने इम्पोर्टेंट लोग यहाँ आए हैं और इस एल्बम को यहाँ रिलीज़ कर रहे हैं। अभी कुछ ही मिनटों में मीका जी आ जाएंगे और मीका जी के हाथ में फिर हम इसको विधिवत लॉन्च करेंगे। तो मैं रीना जी को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी है वो सब इनकी वजह से ही है, इनके गाने से है, इनकी मेहनत से है, इनके जोश से है, इनके पैशन से है। और उसी वजह से ये तीन तीन एल्बम आपने यहाँ देख लिए, इतने खूबसूरत वीडियो देख लिए और आगे भी ये करती रहेंगी, इसका मुझे विश्वास है। क्योंकि ये बहुत ही प्यार करती हैं संगीत को, बहुत संगीत में डूबी हुई हैं। और कुछ हमने प्लान किए हैं कि हम कुछ इनके भजन भी आगे रिकॉर्ड करेंगे। शिमारू के साथ हमारे कुछ प्लान्स हैं काम करने के, जिसमें शिमारू जिस तरह से आपने देखा होगा कि कोक स्टूडियो से एक भक्ति स्टूडियो जैसा सेट होगा और उसमें इस स्टाइल में भजन गाए जाएंगे, तो उसमें भी नए खूबसूरत सिंगर्स आएंगे, उसमें रीना जी भी होंगी और लोग भी आएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये इसमें गाकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत गाना, राजस्थानी टच को लेके ये काम हुआ। इसके लिए सबसे पहले तो रीना जी को मुबारक है और उसके बाद दीपक और सोमी को बहुत बहुत मुबारक है और आगे इसी तरह सिलसिला चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वेल, ये जो खूबसूरत गाना था इसको और खूबसूरत बनाने में साथ दिया एक बहुत ही प्यारी सी आवाज़ ने, जिस आपने सुना होगा एक सरगम बहुत ही प्यारी सी, एक आलाप थी बहुत ही प्यारी सी, उस आवाज़ को मैं बुलाना चाहूँगा, उनका चेहरा आप सभी लोगों के सामने लाना चाहूँगा। प्लीज़ एक बार ज़ोरदार ताली हो जाए मिस्टर शिखर कुमार जी के लिए। आइए शिखर जी। वेल, ये वही आवाज़ के मालिक हैं जिन्होंने इस गाने को बहुत ही अच्छे से अलाप और सरगम देकर और चार चांद लगा दिए इस गाने में। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के बाद? वेल, सबसे पहले सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड जो भी इस गाने से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मीना मेहता मैम, अनूप सर, और मुझे सबसे ज़्यादा जो इस गाने की अच्छी चीज़ लगती है ना, वो ये लगती है कि मैंने अनूप जी को जो उनका जो एक फोटे है, मतलब भजन वाला जो है, जैसे अभी सर कह रहे थे कि मैं गाने हर तरह के गाता हूँ, लेकिन वो है तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी अनूप सर के लिए है इस गाने में, क्योंकि उनका एक बिल्कुल ही एक अलग चेहरा और बहुत अच्छा जो मतलब इस गाने को लग रहा है, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड जो इस गाने के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उमेश मिश्रा सर बैठे हैं आपके सामने, उन्होंने मुझे अलाप के लिए और सरगम के लिए चूज़ किया और मुझे बोला कि रिकॉर्ड करना है, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेल, अब देरी ना करते हुए बुलाना चाहूँगा उन संगीतकार को, उन संगीत के मालिक को, उमेश मिश्रा जी को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा सा संगीत दिया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आइए उमेश। तो उमेश जी ने
दो गानों में संगीत दिया है जो कि आप पिछले वाला भी सुना और ये गाना ये वाला है, बहुत ही प्यारा संगीत दिया आपने, चार चांद लगा दिए। थैंक यू, अपने एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे? देखिए बताने वाले तो बहुत कुछ बता दिए, कुछ बचा नहीं है, बट मैं कुछ लिमिटेड सेंटेंसेस में अपनी बातें पूरी करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो शुरुआत रीना जी से ही होती है, तो मैं भी वहीं से करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद इनको कि इस सॉन्ग को स्पेशली इन्होंने चूज किया। हम तो क्या है, हम शो कर सकते हैं भाई ये चीज़ है हमारे पास, बट इन्होंने इस पर्टिकुलर गाने के डेप्थ को समझा, फिर इन्होंने इसको अप्रूव किया, फिर अनूप जी से हम लोग बात किए। तो अनूप जी तो कहना चाहिए जितना कहो कम है, मैग्नेटिक पर्सनालिटी। ये हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री के ऐसे वट वृक्ष हैं कि इसके नीचे अगर बैठो तो ठंडी छाया भी मिलेगी, खाने के लिए मीठे फल भी मिलेंगे और प्राणदायिनी ऑक्सीजन भी मिलेगी। तो हम तो यही चाहेंगे कि ये स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इनका आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे, इनके सानिध्य में हम सब करते रहें कुछ न कुछ। रही बात दीपक भाई की, तो दीपक भाई को मैं पहले ही देखा तो एक बात बोला था, स्मॉल पैक्स ह्यूज ब्लास्ट, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो इन्होंने तो धमाका किया और सोमी ब्यूटी विद टैलेंट, बाकी शिखर जी तो बिहाइंड द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ कैमरा, जितने भी लोग जहाँ से भी जुड़े हैं इसमें जी जान लगा के काम किए और रिजल्ट आप सबके सामने मिला है, दिख रहा है वो। तो सबको बहुत बहुत शुक्रिया और सबका धन्यवाद, ऐसे हम लोग कुछ ना कुछ करते रहें, आप सबका आशीर्वाद प्यार बना रहे। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बस आज के लिए इतना काफी। इसलिए मैं फुल स्टॉप नहीं लिया। वेल वेल वेल, यहाँ पर हम लोगों ने देखे तीन गाने, बहुत ही खूबसूरत लगे, उसमें हमने सिंगरों से मिले, हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे उनसे मिले, एक्टर्स से मिले, सभी लोगों से मिले। हर एक फिल्म का एक हीरो होता है जो कि कैमरा के पीछे होता है, जो कभी दिखाई नहीं देता है हम सभी लोगों को, लेकिन हम उनकी आंखों से ही देख पाते हैं हमेशा। अगर वो हमें किसी एक चीज़ को अपने अंदाज में ना दिखाए तो हम शायद उसको उतनी खूबसूरती से देख पाए या ना देख पाए। तो मैं बुलाना चाहूँगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा देर, अभी आप कन्फ्यूज़ होंगे कौन है, क्या है, किसको बुलाने वाला है। वेल वेल वेल, मैं चाहूँगा कि उनको डॉक्टर रीना मेहता जी खुद बुलाएँ प्लीज़। Actually, I'm quite emotional now because ye jo I before inviting the main hero behind all these things, I would like to thank all the music directors, all the favorite singers who I sang with, all the artists. Sabko hamari taraf se bahut bahut thanks ki everybody participated, contributed. Also, I would like to say Goofy ji ne bhi hamari help kari is music ki alap ko beech mein dalne ke liye. Special thanks to him. And इतना nervous तो मैं कभी हुई नहीं किसी को सामने बुलाने के लिए, but ये जो जो भी हमारा project पूरा हुआ है इसके behind हाथ हमारे music हमारे director जी का है, सुनील अग्रवाल भाई साहब, बड़े आदर से उनको यहाँ पे request करके बुलाना चाहते हैं, जिनके वजह से ये तीनों project बहुत अच्छे से पूरा हुआ है। जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। सुनील जी के बारे में मैं कुछ दो शब्द कहना चाहूंगा। सुनील जी चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं सिंग इज ब्लिंग, वांटेड, आर राजकुमार, दबंग 3 अभी कर रहे हैं, उसके बिजी शेड्यूल के बीच में टाइम निकाल कर आए और ये तीन खूबसूरत से गाने हमारे सामने पेश किए। सर इट्स योर टाइम, एक्सक्यूज मी सर, प्लीज। सर आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे प्लीज? सॉरी, थैंक यू आप सब यहाँ पे आने के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तीन गाने हैं और ये तीन गानों का सफर कुछ ऐसा शुरू हुआ, मेरे और रीना जी के बीच एक कॉमन फ्रेंड है, उन्होंने रीना जी को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने मुझे गाने को ले गाना सुना, मुझे गाना कुछ अलग ही, कुछ मेलोडी कुछ अलग लगी और ये मुझे काफ़ी गाने भेजे, उन्होंने कहा आप चूज करिए आप कौन सा गाना करना चाहते हैं, और वन बाय वन मेरे तीन गाने चूज किए और मुझे बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगा और मैंने नए लोगों के साथ गाने किए,
भगवान से एहसान ही है उसको सभी वैभव भी और बड़ा अच्छा अच्छा जर्नी रहा बड़े मुझे बड़ा मज़ा आया गाना करने में और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा एंड आई होप आप सबको गाना अच्छा लगा और गाना पूरा करने में स्पेशली मैं बल्लु समझना मेरे दोस्त हैं एडिटर गाने को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है और मैं चाहूँगा वो भी हमको आके ज्वाइन करें बल्लू आजा भाई आजा बल्लू और मेरे कैमरामैन है ये तीनों गाने जो किया है सुनील विश्वकर्मा बल्लू जी को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है दंगल लगान इन्होंने एडिट की है और सुनील है शुभकामनाएं सबके लिए सुनील हमारा मित्र है इन्होंने डायरेक्ट किया बहुत बहुत ये पॉसिबल हो पाया है सुनील जी की वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का पहले मैं बताना चाहूँगा डॉक्टर रीना मेहता जी सर कुछ कहना चाहते हैं आगे कर रहे हैं हम लोग एक गाना कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं एक शॉर्ट फिल्म कर रहे हैं और एक गाना और कर रहे हैं जैसा कुछ बात है जो आने वाले टाइम पर करेंगे थैंक यू हमारे बीच बहुत ही मशहूर प्लेबैक सिंगर जनाब शैलेंद्र सिंह जी आए हैं जोरदार तालियां क्या बात है शायद तो हम तो मैं कमरे में बंद हूँ इन्होंने हंगामा करके रखा था अपने गानों से और आज भी लोग इनको उतना ही प्यार करते हैं मैं भी फैन हूँ शैलेंद्र जी मैं भी फैन हूँ आपका थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वेल अब मैं चाहूँगा कि डॉक्टर रीना मेहता जी प्लीज़ एक बार बुके देकर सर को सम्मान दीजिए ये कौन है भाई ये कौन है दिनेश भाई पीछे मैडम दिनेश भाई पीछे हम लोग हैं फोटो स्टिल स्टिल And I really got an opportunity, Isko bolo. I don't know, by grace of God, to sing with him, which is not so easy. Humne unse kaafi kuch seekha bhi, music mein bhi, and otherwise also, like, he's such a good and saintly personality. I really thank him from my heart. Ye itne achhe insaan hain ki, like, hum bol bhi nahi sakte ki, guys. So simple, so down to earth, in spite of being such a big celebrity. And I really thank him from my heart. Thank you to sing with me. Thank you for everything. मैं ऐशानी को बुलाना चाहूंगा प्लीज एक बार आए काफी देर से आप बैठी हुई है ना आइए तांबे सर बीच में आ रहे हो आप तांबे काका बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट जो है ये दीपक ठाकुर जी के लिए है तो मैं जाऊंगा ऐशानी जी उन्हें दें तांबे सर तांबे सर नीचे बैठो एक मिनट के लिए आपके काम की चीज नहीं है दीपक भाई आपके काम वाली चीज नहीं है तांबे सर को तो काम की ये सोमी खान जी के लिए
मैम सेंटर वाली सेंटर में सेंटर मैम समीर ओंकार जी प्लीज आए अच्छा जीवांश प्लीज दूसरे दोनों गाने के दोनों हीरो आ रहे हैं प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हाँ दोनों कराओ सर वसीम भाई दोनों कराओ हाँ हम लोग खड़े हैं वसीम भाई बीका जी आगे मैं चाहूंगा डॉक्टर रीना मेहता जी अमन जी को भी एक गिफ्ट है प्लीज अपने हाथों से चलो 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 हमको नहीं मिलेगा ये यहाँ पर अमन जी यहाँ पर ऑलराइट मैं चाहूंगा रीना जी एक प्यारा सा बुके दें हमारे प्यारे से इंसान जो कि हमारे बीच में है मिस्टर मीका सिंह के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए थोड़ी देर तालियां बजती रहे ताकि मजा आता है और सबसे बढ़िया बात ये है और मैं आप सभी लोगों को बताना सर एक बार आप इधर आएंगे प्लीज 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 मैम और मैं एक और बात बताना चाहूंगा आज मीका जी का बर्थडे भी है तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हो जाए आप सभी लोगों की और केक भी काटने वाले हैं आज हम यहाँ पर नहीं 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 वो वाला अलग से कटेगा ये यहाँ पर आपके लिए स्पेशल वसीम भाई हम लोग बैठे क्या आराम से हाँ यार ओ वसीम भाई हम लोग बैठे आराम से हम लोग बैठे बैठे आराम से हाँ बैठ के लो बोलो उनको हमको भी बैठ जाओ यार बैठ जाओ ओ स्टील दादा अरे भाई ओके तो बैठो यार तुम लोग ओ तांबे सर बसा ओ तांबे सर बसा बहुत सारे सितारे एक ही फ्रेम में आने वाले हैं ये फोटो जो है बड़ी बहुत ही प्यारी सी आने वाली मैं चाहूंगा सभी लोग थोड़ा सा पीछे होकर अच्छे से इनकी फोटो लें क्योंकि ये जो फ्रेम है बहुत ही प्यारा बहुत ही ऐसा है जो कि शायद फिर कभी नहीं मिलने वाला इतने सारे सितारे एक ही फ्रेम में एक साथ राइट तो काफी सारी फोटोज हो चुकी होंगी वेल हमने सारे काम कर लिए हैं लेकिन राइट अभी हम वीडियो दिखा देते हैं लेकिन सभी लोग एक बार फिर से अपनी सीट्स पर विराजमान हो जाइए और केसरिया बाला में एक बार फिर से देखते हैं हम सभी लोग मैं सभी गेस्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हम लोग फिर से एक बार गाना स्टार्ट करने वाले हैं सॉन्ग स्क्रीन पर सभी लोग एक बार अपनी अपनी सीट्स पर जाकर बैठ जाएं प्लीज लाइट्स मैं देरी ना करते हुए बुलाना चाहूंगा मीका सर को प्लीज एक बार स्टेज पर आए Thank you.
All right, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पहले मिस्टर शैलेंद्र सर को प्लीज एक बार यहां पर आए. डॉक्टर रीना मेहता जी प्लीज एक बार आप आए और सर के लिए प्लीज सब भैया बताओ थैंक यू सो मच सर थैंक यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर आए टाइम निकालकर थैंक यू सो मच. आपका बर्थडे है उसके बाद भी आप टाइम निकालकर यहाँ पर आए हैं बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए. और हमेशा की तरह हैंडसम तो आप दिख ही रहे हैं. वेल मैं जानना चाहूंगा आपने भी गाना देखा कुछ कहना चाहेंगे आप प्लीज. बिल्कुल जी केसरिया बाला केसरिया बाला एक तो ये पोस्टर से पीछे मैडम वो वाला पोस्टर केसरिया बाला चलो केसरिया बानम बहुत अच्छा गाना है. और थैंक यू अनूप जी आपने बुलाया मुझे. इन्होंने मेरा बहुत खर्चा भी करा दिया. तो मेरा पूरा प्लान था कि मैं मुंबई ना ही आऊँ दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करूँ. और इन्होंने बोला नहीं यार 4 बजे आना. मैंने इनको बता भी नहीं पाया कि मेरा बर्थडे है. तो फिर मैं कहा चलो मैं आ जाता हूँ. अब जब मैं यहाँ पर आ गया तो बहुत सारे फ्रेंड्स कहते नहीं यार अब बैठे बैठे इन्होंने खर्चा करा दिया. बट गाना बहुत अच्छा है एंड सोमी एंड दीपक दोनों इतने क्यूट लग रहे हैं और मैम ने बहुत अच्छा गाना गाया. सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू. तलत जी भी आ गए हैं. शैलेंद्र जी का भी मैं फ़ैन हूँ. जीतू जी भी पहुँच चुके हैं. सो जब भी अनूप जी बुलाएंगे यही है मुंबई की एक खास बात कि यहाँ सिर्फ रिलेशन चलते हैं. आर्टिस्ट बड़ा हो छोटा हो लेकिन जब भी हम एक दूसरे को याद करते हैं हम एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं. सो अनूप जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. यू सैंग इट वेरी वेल. और सोमी एंड दीपक को मैं बिग बॉस से ही पहचानने लगा हूँ. और यकीन करो मैंने बहुत बिग बॉस देखा तुम्हारा और कभी कभी तुम पे गुस्सा भी आता था और प्यार भी आता था. और दोनों इतने प्यारे हैं एंड सब अभी यहाँ बैठे हैं और पता नहीं श्रिंक हो गए दोनों टीवी पे बहुत तगड़े तगड़े लगते थे. और रीना जी आपने बहुत अच्छा गाना गाया. सो नेक्स्ट टाइम मैं भी आपके साथ एक गाना करूँगा अनूप जी म्यूजिक कर देंगे जी. और जस्सी भाई हमारे बैठे हैं दिल लगी गुड़ गुजराती और जैज इम वेरी टैलेंटेड. सो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अनूप जी के आपने हमारे लिए जैसे मैं अभी गूगल पे मेरी एज तो पता चली गई सबको 42 हो गया मैं लेकिन आपने नया रास्ता खोल दिया मेरे लिए. जब भी मुझे लगता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ तो मुझे ऐसे लोग इंस्पायर करते हैं. अब ये बिग बॉस में चल गए इट मीन्स कि मैं भी इनकी एज में बिग बॉस जाऊँगा और मुझे भी कोई प्यारी जसलीन मिल सकती है. सो अनूप जी आपका मैं बहुत फैन हूँ एंड तलत जी का भी. और थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी फील सो स्पेशल एंड वंस अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. मैं चाहूंगा टीम को बुलाकर यहाँ पर जी देखो कमाल लग रहा है इतना क्यूट लग रहा है तो एक्टिव भी करने लग गया. मैं आप आइए प्लीज. तो अभी तुम्हारी शादी तय होगी कि नहीं हुई या अभी आप आइए होगी सच्ची में स्टिल बैठ के हाँ भाई सब लोग तामे सर स्टील वाले भाई बैठो. हाँ जी हाँ जी लाइए. अरे चाचा और भाई तो यहाँ पर अभी हम पोस्टर रिलीज करने वाले हैं. मैं चाहूंगा हमारे तीनों गाने के एक्टर्स स्टील डायरेक्टर सिंगर बैठना भला प्लीज एक बार स्टेज पर आ जाएं सभी लोग. पूरी नहीं करेंगे वीडियो डायरेक्टर कौन है बहुत अच्छा वीडियो बनाया इधर सुनिए ड्रोन वेरी नाइस वीडियो यार सुनील हीरो बिहाइंड द कैमरा एक बार जोरदार तालियों के लिए प्लीज. क्या बात बहुत अच्छा वीडियो बनाया अरे स्टिल बैठो भाई
अरे बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे नहीं मिलेगा हम लोग को मेरे भाई। अरे उन्हें हम लोग पैकअप कर रहे हैं। सर को बुलाना चाहूंगा, सर प्लीज आइए। दिनेश भाई और बड़ी दूसरी आओ। अरे बड़े बड़े आपके पहले गजल सिंगर जो बहुत से बहुत लंबे बेस्ट फ्रेंड जस्सी, उसको भी आज ही पता चला कि मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ। मिस्टर जस्सी जी मैं चाहूंगा एक बार वो भी साथ में आए। जस्सी चल गए हैं, जस्सी जी आइए प्लीज। बॉस चिल्ला के मानूंगे बहुत, क्या करेगा सुंदर सुंदर सर काला हो जा, सुंदर थोड़ा काला हो जा। अरे पुष्कर भाई आराम से। तीनों पोस्टर को सेंटर में पास पास में ले आए प्लीज। सुंदर उसका नाम सुंदर है काला शर्ट में। पुष्कर भाई तापो कंपनी चिल्लाती है तापो कितना हां मोबाइल भाई साहब बहुत ज्यादा भाई भाई डर रहे हो तुम राज भाई है ना। और इस बार आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा थोड़ा पीछे अगर आ जाएंगे तो सबकी फोटो अच्छी आएंगे। आप लोग थोड़ा थोड़ा इधर आ जाएंगे प्लीज। ये बैठने वाले अरे रुको तो बैठ रहे बैठे का देख रहे हैं सर फोटोग्राफर ओ तनु जी चलो भाई बोलो बुलाना भूल गया अभी चले जाओ बुलाना बोले हम चले जाओ लेकिन सीनियर चाचा ग्रुप हमारे अरविंद भाई चले जाओ चाचा आ गया बोले आप बुलाना भूल गए पहली बार कर रहे हैं ना इसलिए तो भाई क्या बताओगे जल्दी पहुंचो चलो हो गया ना यार बोल दिया आने स्टील। अरे ये कौन है ये ब्लैक शर्ट वाला साला अंदर ही घुसे जा रहे हैं। अरे दीपक जी ऊपर ऊपर दीपक जी ऊपर वीडियो अरे ओके ओके बस 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 बीच से पकड़ बैठो हर गम है यार चलो बोल इसी में आ रहे हो चलो बाइक करते बाइक 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 नहीं पकड़ चलो यार अरे अरे हटा छोड़ बंद करो बंद करो थैंक यू अगर कम है तुम लोग सचिन
मतलब जो घर में नहीं हो पाया वो ऑन पर्दे पे मोहब्बत। हाँ तो बताओ। हाँ तो बताओ। बताओ ना। नहीं सीरियसली आप लोगों को कैसा लगा आप बताइए। देखिए बहुत अच्छा लगा। केमिस्ट्री कैसा था? केमिस्ट्री बहुत अच्छी। केमिस्ट्री ऑब्वियसली केमिस्ट्री चाहे कि आप उसको लाइक करेगा शेयर करेगा और प्रमोट करेगा प्लीज हमारे सॉन्ग को। माय केमिस्ट्री बहुत अमेजिंग है जी। बिल्कुल हमारा जो क्योंकि हम लोग शुरू से ये था कि हम लोग काम करेंगे अगर मौका मिला तो काम क्यों नहीं करेंगे और हमें ऐसा मौका मिला कि हम लोग इतने बड़े मतलब लेवल पे इतने बड़े चूँकि जी ने रिलीज़ किया इसको तो इतने बड़े लेवल पे हमारा कोई सॉन्ग आ रहा है और जिसमें हम लोगों ने साथ में पार्टिसिपेट किया है और हम लोगों ने काम किया है तो इसके लिए रीना मैडम को और पूरी टीम को हमारा केसरिया बालम पूरी टीम को क्योंकि हम एक एक नाम नहीं ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा वी आर वेरी थैंकफुल। बहुतों का मेहनत है जिनका नाम हमें याद है याद नहीं भी है तो सबको दिल से थैंक यू क्योंकि बिना उनके ये पॉसिबल नहीं था। सोमी क्या आपको लगता है जैसे दीपक ने कहा कि बिना उनके पॉसिबल नहीं था लुक मत दीजिएगा जब आप जवाब दें तो अगर आप दोनों बिग बॉस बॉस में जो आपकी केमिस्ट्री रही है और जो लव इंटरेस्ट रहा है दीपक का हमेशा से आप में दिलचस्पी रही है वो नहीं होता तो ये नहीं होता शायद मे बी एक रीजन था अगर क्योंकि रीना मैम ने हाँ रीना मैम ने हमारी केमिस्ट्री हमारी नोकझोंक देखी और उनको वो चीज़ बहुत पसंद आई तो उन्होंने मतलब जैसे हम बाहर आए अप्रोच किया और हमें सॉन्ग ऑफर किया हमें भी उनका ऑफर बहुत अच्छा लगा सॉन्ग बहुत अच्छा लगा तो देन यस सोमी तुमको हमको थैंक्स बोलना चाहिए तुम्हें हमें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए ओके। अच्छा केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है आप दोनों की जिस वक्त ये ऑफर आप दोनों को करा गया व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन अरे ये कैसे मेरा तो हाँ था ऑफ कोर्स आपको तो हमेशा से हाँ था। मैंने भी सुन के मुझे भी आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ फर्स्ट प्रोजेक्ट मुझे यही अप्रोच हुआ था केसरिया बालम आफ्टर कमिंग आउट एंड द सॉन्ग वाज वेरी नाइस रीना मैम इज सो नाइस उन्होंने जिस तरह से अप्रोच किया मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ एंड इससे अच्छा था कि दीपक के साथ था तो फिर आई वाज वेरी हैप्पी एंड देन हमने हां कर दी और फिर उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। मीका मीका तलत तलत अजीज देयर इज द लीजेंड यू नो दे आर हियर टू प्रमोट यू टू सपोर्ट यू हाउ प्राउड यू फील। आई एम वेरी प्राउड मुझे तो खुद को यकीन नहीं होता कि मेरी लाइफ इतनी चेंज हो गई है कि जिनके मैं गाने सुनती थी और एक बार सोचने के लिए यू नो विश करती थी या सपना देखती थी कि एक बार उनसे मिलना होगा वो आज हमारे गाने को लॉन्च कर रहे हैं तो इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड फॉर माय फैमिली आल्सो। दोनों डेब्यू कर रहे हैं म्यूजिक ये नहीं हम लोगों को जो भी डिफिकल्टी आया ना हमारा टीम ऐसा था और कैमरे के पीछे सर और कोरियोग्राफर सर और चूंकि हमारा बॉन्डिंग ऐसा था तो हम लोग अगर भाई अगर कोई अननोन कलाकार होता तो मे भी कुछ चीज़ें जैसे कुछ चीज़ों में जो हमसे नहीं हो पाए या इनसे हो जाए तो हम लोग शेयर नहीं करते वो गैप रहता लेकिन हम लोगों में इतना बॉन्डिंग था कि हम लोगों ने जो भी चीज़ें वो शेयर किया। रोमांटिक ट्रैक है ये आपने जैसा देखा होगा और फर्स्ट टाइम कैमरे पे आना रोमांस करना और अभी कोई अननोन को स्टार होता जिसको आप नहीं जानते तो मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाती। मेरे साथ कंफर्टेबल थी इट वाज दीपक तो मैं बहुत कंफर्टेबल थी और बहुत हमने एंजॉय किया शूट को और बहुत अच्छा लगा। क्या गिवन अ चॉइस क्या आगे चलकर पॉसिबिलिटी है आप दोनों फिल्मों का भी हिस्सा बने जहां पे आपके साथ ही लव स्टोरीज बनाई जाए वुड यू बी इंटरेस्टेड? बिल्कुल कह नहीं होंगे हम तो शुरू से हैं इंटरेस्टेड इस तरीके के काम मतलब जेन्युइनली जिस काम से हमारा नाम हो जिस काम जो काम अच्छा हो जो काम लोगों को पसंद आए और अगर लोग हमारे में वो उम्मीद वो चीज़ वो देखते हैं तो जनरली हम लोग साथ काम करना चाहेंगे। आप किस तरह से अपनी जोड़ी को देखते हैं? देयर आर वेरी फेमस जोड़ी इन द बॉलीवुड फॉर एग्जांपल वरुण धवन एंड आलिया भट्ट सलमान एंड कैटरीना कैटरीना कैफ नो वेयर यू कंसीडर योरसेल्फ एज एन अदर जोड़ी दीपक ठाकुर और सोमी खान। हां इससे फेमस जोड़ी क्या हो सकती है लोग आज यू नो टॉम एंड जेरी वाला था हमारा। हां स्टिल वी आर टॉम एंड जेरी हम लड़ते हैं झगड़ते पर हमेशा साथ हैं। अच्छा शादी की बात करें तो क्या चांसेस है अगर आपके डैड ने तो मना कर दिया अगर हाँ बोलते तो क्या होता? अब डैड ने मना कर दिया तो मेरी कहाँ से शादी होने वाली है? दीपक अगर हाँ बोलते डैड तो क्या होता? इसको इस चीज का गिल्ट है। कोई बात नहीं सोमी तो ये एल्बम करके गिल्ट खत्म करा जा रहा है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है ये एल्बम करके अच्छा काम किया जा रहा है पैसा कमाया जा रहा है लोगों का मनोरंजन किया जा रहा है। अच्छा दीपक अगर आपको शादी करना तो किस तरह की लड़की चाहिए और आपको अगर शादी करना तो किस तरह का लड़का चाहिए? अच्छा इंसान चाहिए अच्छा इंसान चाहिए और बोलिए अच्छा इंसान इंसान चाहिए और जिससे प्यार हो जाए दैट्स इट। ओके बिग बॉस आने पे है क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं नई थीम भी सुनने में आ रहा है कि दे विल बी कमिंग विद अ न्यू थीम? आई गॉट टू नो कि इस बार ओनली सेलिब्रिटीज विल बी देयर नो कॉमनर्स तो
लेट्स सी क्या हमारा भाग्य अच्छा था हमारा भाग्य अच्छा था बिग बॉस वालों को दिल से थैंक्स कि हमारे सीजन तक ये एंट्री था कम से कम हम अंदर आए रियली फील कि इस बार भी कॉमनर्स को मौका मिलना चाहिए क्योंकि आज हमारी लाइफ चेंज हुई ऐसे बहुत लोगों को मौका मिलता उनकी लाइफ चेंज हो सकती थी पर बिग बॉस हर साल नई थीम लेके आता है तो इस बार लेट्स सी आई लव यू सलमान खान भारत या हर ईद पे जब भी उनकी मूवी रिलीज होती है तो मैं हमेशा देखना चाहती हूँ ये भी देखी मैंने और बहुत ज्यादा अच्छी लगी एंड ही सो हैंडसम आई विश हिम ऑल द लक एंड यस बिल्कुल सलमान खान सर का तो हम शुरू से भक्त रहे हैं बहुत अच्छे और बहुत पसंद करते हैं हम उनको वो हमारा जो पसंद नापसंद वो नेक्स्ट लेवल का है और बहुत 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 बड़े वाले फैन हैं उनके तो फिल्म क्योंकि फिल्म तो अभी हमने नहीं देखी क्योंकि हम अपने अगले गाने में हम अभी थोड़ा सा लगे हुए हैं हमारा अगला गाना भी आने वाला है जो कि रिलीज होगा बहुत जल्द जिसको मैंने गाया है और मेरे ऊपर वो एक्ट है तो और भी एक दो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं प्रोजेक्ट्स हैं जो आप लोग आगे सुनेंगे और दिखाई देगा आप लोगों को और तो सलमान सर की फिल्म अभी तक तो हमने नहीं देखी लेकिन होप्स हो कि जैसा वो हमेशा आते हैं पर्दा फाड़ के जाते हैं उसी तरीके से इस बार भी हालांकि कमाई उमाई के मामले में शायद 100 करोड़ क्रॉस कर गई फिल्म हाँ, तो मैंने उनका पोस्ट देखा तो आई थिंक 1.5 करोड़ 105 ऐसा कुछ ओके थैंक यू चलो